बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टेशन। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स का 2016 रेगुलर में जो क्वेश्चन नंबर 2B है, व्हेन द प्राइस ऑफ अनियन ड्रॉप फ्रॉम 40 to 30 पर केजी इन अ सर्टेन मार्केट प्राइस, द डेली डिमांड फॉर अनियन वेंट अप फ्रॉम 500 kg to 700 kg। मुझे कंप्यूट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कमेंट करना है अपने रिजल्ट पे। तो सबसे पहले मैं इससे डेटा बनाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ डेटा में वो कह रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अनियन ड्रॉप फ्रॉम 40 to 30। तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि P1 मेरे पास है ₹40 और प्राइस ड्रॉप कर जाती है जो कि कराएगा P2 जो कि है ₹30। तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि QD1 जो है मेरे पास वो है 500 kg और वो क्वांटिटी डिमांडेड 2 जो बढ़ के हो जाती है वो है 700 kg। तो यहाँ पर 2 का वर्ड आया है तो इसलिए हम यहाँ पर इनको माइनस करके सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने इनको P1 P2 करके मेंशन किया है, डेल पी मेंशन नहीं किया। अब सबसे पहले यहाँ पर मुझे मालूम करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये मुझे कैलकुलेट करनी है और फिर मुझे रिजल्ट पे कमेंट करना है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, लेकिन सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है पी जो के है रुपीज़ आपके 40। अगर मुझे निकालना है चेंज इन प्राइस आएगा मेरे पास P2 - P1 इक्वल यानी कि 30 में से मैं माइनस करूँ 40 तो आंसर आएगा -10। दूसरी चीज़ मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है 500 kg, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आएगा मेरे पास 700 में से मैं माइनस कर दूं 500 तो आंसर आ जाएगा 200 kg। अब ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली है और इसका मैं फार्मूला लिखूंगी। तो इसका फार्मूला है मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये हमने फार्मूला लिखा, डेल क्यू की वैल्यू ये है मेरे पास 200, चेंज इन प्राइस की वैल्यू मेरे पास है -10, ओरिजिनल प्राइस है मेरे पास 40 और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है मेरे पास 500। अब यहाँ से ये 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो कटेंगे, ये 1 जीरो कटा, ये 1 जीरो कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 4 2 8 और यहाँ पे नीचे बच रहा है 5 1 5 जो कि माइनस में है। 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा, 8 को डिवाइड किया 5 से तो आंसर आया 1/6 और ये माइनस साइन साथ में आएगा, माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे तो ये 1.6 है। 1.6 यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड ग्रेटर देन 1।